रहीम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल आज का हमारा वोकैबुलरी वर्ड है अरोमा 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 का मतलब क्या होता है इसको सेंटेंसेस में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें इसका किसके साथ लिंक है मतलब ये क्या ये नाउन है प्रोनाउन है वर्ब है यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके साथ इसका क्या लिंक बनता है तो टू नो अबाउट दिस ऑल थिंग्स प्लीज स्टे ट्यून विद द वीडियो एंड लेट्स गिव इट अ स्टार्ट देखें अरोमा जो है वो एक नाउन है और नाउन आप जानते हैं नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इनको हम क्या कहते हैं नाउन अरोमा क्योंकि एक नाउन है इसका मतलब ये होता है अ अस्ट्रॉग प्लेजेंट स्मेल आउट ऑफ फूड और ड्रिंक यानी कि खाने वाली चीजों से और पीने वाली चीजों से जो महक आ रही होती है जो अच्छी स्मेल आ रही होती है खुशबू आ रही होती है जो आपको अच्छी लगती है उसको हम कहते हैं अरोमा यानी कि अरोमा स्पेसिफिकली खाने की अच्छी स्मेल या पीने वाली जो अच्छी स्मेल होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है तो अब हम ये देखते हैं सेंटेंसेस के, के अंदर इस वर्ड अरोमा का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं देखें जैसे मिसाल के तौर पे आई लाइक द ऑफ कॉफी जब बनती है उसकी जो खुशबू आ रही होती है या बन के आ गई है कप में से जो खुशबू उठ रही होती है वो मुझे बहुत पसंद है आई लाइक द अरोमा ऑफ कॉफी इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं दिस प्लेस इज फिल्ड विद फ्रेश ब्रेड आई लाइक टू स्पेंड समाइम्स हेयर देखिए इसका मतलब ये है कि यार इस जगह पे ना ब्रेड बन रही होती है और उसकी जो खुशबू उठती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है तो आई लाइक टू स्पेंड समाइम हेयर तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे मैं कुछ टाइम गुजारूँ ठीक है मतलब इसका ये कि इस जगह पे क्योंकि ब्रेड बनती है जिसकी वजह से ब्रेड की महक बाहर आती है तो इसलिए मुझे यहाँ पर टाइम गुजारना अच्छा लगता है इन द सेम मैनर्स हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम वेयर दिस फ्रेश स्मोकी और कमिंग देखें आप जानते हैं जैसे आजकल जैसे फिश है वो कोयलों पे पक रही है या कोई खाना कोयलों के ऊपर बन रहा होता है तो उसको हम कहते हैं स्मोकी अरोमा यानी कि अगर अच्छा वाला है अगर आप कोई खाने वाली अच्छी चीज बना रहे हैं तो वो जो स्मेल आ रही होती है उसको कहते हैं स्मोकी अरोमा तो फ्रॉम वेयर दिस फ्रेश स्मोकी अरोमा कमिंग कि यार ये बड़ी जबरदस्त कुछ पकने की तिके पकने की या मछली पकने की यानी कि जो खाने की जो स्मेल आ रही है ना ये कहां से आ रही है इतनी जबरदस्त स्मेल So thank you so much guys for watching the video. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Inshallah in next video gonna come in here again with new topic. Till then take care of yourself. Allah negebaan.